नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 जुलाई से बदलने वाले नियमों के बारे में। हर महीने की शुरुआत कुछ बदलाव के साथ होती है। कहते हैं हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है, वैसे ही हर महीने की शुरुआत भी नए बदलाव के साथ ही होती है। ऐसा ही बदलाव आपकी जिंदगी में अगले महीने की 1 तारीख के बाद देखने को मिलने वाला है, जो कि आपके किचन से लेकर कार तक सब पर असर डालने वाला है। सबसे पहले 1 जुलाई से SBI के ATM से पैसे निकालना महंगा होने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए अहम बदलाव किए हैं, जिसके तहत ATM से कैश विड्रॉल महंगा हो जाएगा, जिसके बाद SBI ग्राहकों को बैंक से 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा, जिसमें बैंक के ATM भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप अब 4 बार पैसा निकालने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर आपको 15 रुपए और GST जोड़कर शुल्क देना होगा, जिसके बाद अब सभी नए सर्विस चार्ज 1 जुलाई 2021 से SBI बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता धारक पर लागू होंगे। इसके साथ ही SBI ने एक और बदलाव का आदेश जारी किया है, जिसके तहत SBI BSBD खाता धारकों के लिए बदलाव पेश कर रहा है, जिसके तहत BSBD खाता धारकों से 10 चेकबुक पर कोई चार्ज तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन 10 के बाद 40 रुपए प्लस GST चार्ज लिए जाएंगे। इसके साथ ही 25 चेक वाली चेकबुक पर 75 रुपए चार्ज किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इमरजेंसी चेकबुक पर 50 रुपए और GST चार्ज देना होगा। हालांकि SBI ने साफ किया है कि इस नियम से वरिष्ठ नागरिकों को चेकबुक पर नई सेवा शुल्क से छूट दी जाएगी। बैंक BSBD खाता धारकों द्वारा घर और अपनी या अन्य बैंक ब्रांच से पैसा निकालने पर शुल्क नहीं लेगा। 1 जुलाई से महंगा होगा कार खरीदना भी। अगर आप भी मारुति की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अपनी खरीदारी 1 जुलाई से पहले कर लें, क्योंकि लॉकडाउन में खराब बिक्री और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से परेशान होकर अब ऑटो कंपनियों ने अपने दाम को बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके तहत ही हीरो मोटर कॉर्प ने अपने मोटरसाइकिलों स्कूटर्स के दाम पर बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। कंपनी के दोपहिया वाहनों के दाम 1 जुलाई 2021 से 3,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कंपनी ने इस बाबत साफ कर दिया है कि कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़त की वजह से दाम बढ़ाने को मजबूर होना पड़ रहा है। 1 जुलाई से LPG सिलेंडर के दाम में भी होगा बदलाव। 1 जुलाई से LPG सिलेंडर की कीमत रिवाइज होती है। जून के महीने में तेल कंपनियों की तरफ से कोई दाम नहीं बढ़ाए गए, लेकिन जिस तरह से कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि LPG सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए जा सकते हैं। 1 जुलाई से TDS TCS भी ज्यादा कटेगा, जिसके तहत अपने इनकम टैक्स को नहीं अगर किसी ने भरा है तो 1 जुलाई से ज्यादा TDS TCS वसूलने की तैयारी हो रही है, जिसको लेकर आयकर विभाग ने यह भी तय किया है कि जिन भी लोगों ने पिछले 2 साल से आयकर रिटर्न नहीं जमा किया है, उनके ऊपर अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ध्यान देने की बात यह है कि यह नियम उन टैक्स पेयर्स पर लागू होंगे जिनका सालाना TDS 50,000 रुपए या इससे ज्यादा होता है। 1 जुलाई से सिंडिकेट बैंक का बदल जाएगा IFSC कोड। नियमों में जारी बदलाव के तहत 1 जुलाई से सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड बदल जाएगा, क्योंकि सिंडिकेट बैंक का विलय हाल ही में कैनरा बैंक के साथ हो गया है, जिसके कारण ही सभी खाता धारकों को नए IFSC कोड मिलने वाले हैं, जिसको लेकर बैंक ने पहले ही सभी खाता धारकों से नया कोड लेने की अपील कर दी थी, जिसके बाद अगर आपने अपना नया IFSC कोड नहीं लिया है तो 1 जुलाई से सिंडिकेट बैंक के खाता धारक कोई भी लेन देन नहीं कर सकेंगे। ज्ञात हो, ग्राहकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कैनरा बैंक ने IFSC की पूरी लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी है। इसके साथ ही 1 जुलाई से पुराने चेकबुक की जगह नए चेकबुक भी सिंडिकेट बैंक के कस्टमर को इश्यू किए जाएंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।